बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। मौलाना जलालुद्दीन रोमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इश्क की इंतहा का वाक़या पढ़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में ना पाकर बेताब हो गए और शोक दीद में निकले। दरियाफ्त किया तो किसी ने पहाड़ की तरफ इशारा किया। वहाँ गए तो चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था। इससे पूछा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं देखा है? उस चरवाहे ने कहा, मैं तेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि इस गार में 3 दिन रात से कोई इस कदर दर्द सोज से सजदे में गिरिया जारी कर रहा है कि मेरी बकरियों ने ही नहीं बल्कि तमाम चिरिंद और परिंद ने खाना पीना ही छोड़ रहा हुआ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कुछ जानता है क्या अल्फाज बोल रहा है? तो चरवाही ने कहा, हर घड़ी या उम्मती की पुकारें कर रहा है, अपने मौजूदा और अपने बाद सब आने वाली उम्मत की बख्शिश की खातिर सरकारे कुल कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रातें एक पहाड़ की गार में सजदे में रोते हुए अपने अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की दुआएं इल्तजाएं फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्ते वसाल भी यही दुआ मांगते रहे। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पॉपुलर टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।